दोस्तों यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो दिया हुआ है, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ जो लेटर दिया हुआ है ना, यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है रेनबो, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू। अब इस लेटर को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे जितने लेटर है कैसे चेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में, ए आता है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये बी आएगा, तो यहाँ पे हम बी रख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, अब देखोगे उससे पहले हमारा यहाँ आई आएगा ना, तो आई यहाँ पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले रहा है, जैसे ए बी सी डी अप टू जेड तक हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एन हो गया, अब ये नेक्स्ट क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा, यहाँ पे होगा आर, और ये लास्ट में डब्ल्यू। तो अब ये चेंज कौन कौन सा नहीं हुआ, अब आपको देखना, ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज दिख रहा है, ये आपको एक सेम दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपको एक एन सेम दिख रहा है, ये भी चेंज दिख रहा है, ये भी चेंज, और ये एक सेम दिख रहा है। इन टोटल सेम कितने हैं, वन टू थ्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ये जो मिसिंग नंबर है ना, यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रोंग कर जाते हैं। अब ये कैसे रोंग होता है देखोगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे कि ये हो गया 13, 2 जा हो गया आपका 26, देन 26 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 52, फिर 52 में अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 104, ठीक है। उसके बाद 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा, बट 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 होना चाहिए था, बट यहाँ तो 7 है, तो ये तो प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया फेल आपका, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे करेंगे, विद इन सेकंड आंसर फाइंड कर सकते हो। देखोगे यहाँ दिया हुआ है 1313, उसके बाद दिया हुआ है 4, तो यहाँ जो आपको डिजिट जो दिख रहा है ना 1 और 13, अगर इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। उसी तरह से देखोगे 26 है, अब इन दोनों को अगर हम क्या करें ऐड कर दें तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, क्लियर। उसी तरह से 52, 5 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा 7 जो कि है यहाँ पे। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, 1 + 0 + 4 यानी कितने के बराबर होगा भाई, ये हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, और ये एक लेटर सीरीज दिया हुआ है और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी लेटर आपको दिख रहे हैं ना सारे भोवली हैं। आपके भोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड देन यू, ठीक है। तो देखोगे पहला क्या है, ए है, उसके बाद यू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ई ओ, अब ध्यान से देखो तो ए ई आई ओ एंड देन नेक्स्ट क्या होगा, देखोगे एक सीक्वेंस में चल रहा है ए ई आई ओ यू, यानी पहला जो लेटर है ए ई आई ओ द नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ तो यू होना चाहिए, तो यहाँ जो पहला जो होगा लेटर वो होगा यू, क्लियर है यहाँ तक। अब देखोगे अब इस साइड से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। अब आप मिला हूँ पूरा इक्वल हो जाएगा, देखो ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर आप यहाँ से मिला हूँ ए ई आई ओ यू, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा यू ए, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।